अग्निवीर के लिए एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर ये है कि अब अग्निवीर को आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भागीदारी मिलेगी। आपको बता दें कि उन्हें जो है 15% जो है रिक्रूटमेंट मिल रही है। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उन्हें एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी और फिजिकल टेस्ट में भी उन्हें छूट दी जाएगी। अग्निवीर जब नाम ही आया था तो आपने देखा कि नाम बेहद खूबसूरत था, सरकार ने नाम बेहद खूबसूरत रखा था, लेकिन जैसे ही अग्निवीर के बारे में पता चला तो किस तरह से पूरे देश में हालात बन गए थे। लेकिन तब गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि अग्निवीर अपनी नौकरी को मत देखे, यानी उन्हें कितना वक्त जो है वो सेना में देना है उसे मत देखे, जब वो सेना में रहकर अग्निवीर कहलाएगा तो ही वो कुछ सफल कर पाएगा। तो आज आपको बता दें कि शायद उनकी कही हुई बातें जो है वो सच हो रही है, और जितने भी अग्निवीर है उनके लिए खुशखबरी है और उनके लिए मौका है कि अब वो रेलवे का हिस्सा बन सकते हैं, और रेलवे का हिस्सा वो बनेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तहत। इसीलिए आपको बता दें कि इसमें भी जो है वो जॉब की रिक्रूटमेंट दी जा रही है, और तमाम अग्निवीर जो हैं ये खबर उनके लिए इसीलिए अच्छी है क्योंकि जो फर्स्ट बैच के अग्निवीर हैं उन्हें 5 साल की छूट दी जा रही है आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और जो नेक्स्ट बैच के अग्निवीर हैं उन्हें 3 साल की छूट दी जा रही है, और रेलवे में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण और उम्र सीमा भी कम कर दी जाएगी, और फिटनेस टेस्ट भी जो है उसे खत्म कर दिया है, इससे भी राहत है। अग्निवीरों को जो है ना फिजिकल टेस्ट से गुजरना है और उनकी आयु में छूट दी जा रही है। अग्निवीरों के पहले बैच को 5 साल और दूसरे बैच को 3 साल की छूट दी गई है, और जितने भी समुदाय हैं वो आज बहुत खुश हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बातें थी वो रंग लाई है। आपको बता दें कि रेलवे में जो है वो विभिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है वो भर्तियां देखने को मिलती है, लेकिन रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रायोरिटी बेसिस पर जो है अग्निवीर को लेगा, और अग्निवीर को किस तरह से लेगा, 15% आरक्षण जो है वो अग्निवीर को मिलेगा, और अग्निवीरों की आयु में भी जो है उसे घटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ बात करते हैं फिजिकल टेस्ट से भी उन्हें पास नहीं होना पड़ेगा, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। 10% और लेवल 2 पर जो है वो आते हैं उनके लिए है, और आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में बच्चे फिर भी अग्निवीर बने हैं, लेकिन अब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक अच्छा कदम लेकर जहां पर पूरे भारत में रोजगारी जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है उसे लेकर जो है एक अच्छा फैसला सुनाया है। अब तमाम जितने भी लोग हैं अगर वो यानी जितने भी अग्निवीर हैं अगर वो अग्निवीर बनना चाहते हैं तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, और हिस्सा बनने के साथ साथ वहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पर जो है वो आपको दिया जाएगा, और अग्निवीरों के पहला बैच जो है जिसे फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर कहा जाता है उनमें 5 साल की छूट है, और 5 साल की छूट वाले को लेवल 1 में रखा गया है और लेवल 2 में दूसरे पद को रखा गया है। सूत्रों की माने तो रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया है कि वो रेलवे भर्ती एजेंसियों से जो है वो बात करें और वेतन लेवल 1 और वेतन लेवल 2 पर उसे ऊपर लेकर जाएं, और साथ ही साथ ये बता दें कि 25% अग्निवीरों को सैन्य बलों में ही मिलेगी जगह। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जब आप अग्निवीर बनेंगे आपका वक्त वहां पर पूरा होगा, आप एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे, तो एक्स सर्विसमैन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी जगह काम करने की। तो यानी जो अब एक्स सर्विसमैन है उन्हें यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है, और 25% जो है वो तब भी वहीं पर काम करेंगे, वो फौज से रिटायर होकर आएंगे फिर वो फौज के ही काम आएंगे, यानी उनका पूरा जीवन फौज के काम में ही रहेगा, और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरे होने के बाद 25% भर्तियों में सेना बलों में अग्निवीर ही शामिल होगा। और ये भी आपको बता दें कि चाहे उसमें किस तरह से आपको लाभ होगा पहले आप वो देखिए, इन लाभों में जो है वो महिलाएं भी आती हैं, जैसे वेट्रेस है और भी जो है बहुत से यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, लेकिन हालांकि जो अग्निवीर की कैटेगरीज है रेलवे में वो तब पता चलेगा जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और केंद्र मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कहा है कि आप इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और केंद्र सरकार को पिछले साल शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 4 साल पूरे होने के बाद कहा गया है कि आप 25% जो है इन्हीं अग्निवीरों को रखेंगे, यानी अगर आप एक्स अग्निवीर भी कहलाए जा रहे हैं तब भी आप देश के काम आएंगे, और सोचिए आप अग्निवीर बनकर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपको फायदा है तो आपको फायदा मिला है या नहीं। देखिए रेलवे ने भी कहा है बाहें खोल के स्वागत करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो है आपको भागीदारी दी जाएगी और अग्निवीरों को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पर, और अच्छी खबर है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो युवा हैं बेरोजगार हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बने, क्योंकि बहुत जल्द वहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अग्निवीर के लिए वो शुरू होने वाला है।